हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ड्रीम11 प्रो प्लस की इस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं जो आज मैच खेला जाएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकंड T20 मैच खेला उसकी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, बात करें इस मैच की, तो मैं इस मैच की एक और वीडियो लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको प्लेइंग 11 ना तो प्लेइंग 11 दूंगा, ना तो इंपॉर्टेंट प्लेयर, ना तो टीम दूंगा। मैं उसमें आपको दूंगा सिर्फ न्यूज़ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और प्लेइंग 11 तो सभी देते फ्रेंड्स, बट मैं आपको न्यूज़ हर एक वीडियो में आपको न्यूज़ देता हूँ जो कि T20 टीम बनाने में आपके लिए हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ जो मेरी अपडेट वीडियो आएगी तो उसे भी वॉच कीजिएगा और पूरी तरह से वॉच कीजिएगा। अगर आप उसे स्किप करके देखेंगे तो फ्रेंड्स मज़ा नहीं आता है, बिकॉज आप कुछ बीच में मैं कम से कम 15 से 20 पॉइंट आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एज इन टीम बनाने के लिए। आप टीम बनाएंगे बट जो उसमें जो कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जैसे कि अपडेट के टाइम पे एंड जैसे मैच पास में आते जाता है वैसे ही जो न्यूज़ है वो मतलब कि थोड़ी थोड़ी मिलनी स्टार्ट होती है। हाँ चल ठीक है भाई, ये हो सकता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा। अब फिलहाल टाइम है उसके आने में, तो बात करते हैं इस मैच की। तो इसमें मैं आपको दूंगा कि प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन दूंगा। तो सबसे पहले न्यूज़ के साथ शुरुआत करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो हो सकता है फिर से 5 बॉलर के साथ जा सकता है। आशीष नेहरा जी नहीं है तो हो सकता है कि उनके जगह पे मोहम्मद सिराज आ सकते हैं, ये मैच खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सस्पेंस इस मैच में भी बना हुआ है, एक नहीं समथिंग दो सस्पेंस है जो कि वही तय करेगा ग्रैंड लीग जीतना या ना जीतना। तो क्या होगा मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें पिच की, तो पिच राजकोट की पिच है और ये पिच फ्लैट है। तो फ्लैट नाम सुनते ही जो बैट्समैन के मुंह में पानी आ जाता है कि अरे यार फ्लैट पिच है, फुल बैटिंग पिच। सो इस मैच में हमें हाई स्कोरिंग का मैच ये देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करें इस मैच में विकेट कीपर की, तो विकेट कीपर टॉम लेथम एक अच्छे विकेट कीपर हैं, धोनी से अच्छे, बिकॉज धोनी काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं, हालांकि वो बिग हिटर हैं, बट टॉम लेथम एक टेक्निकल बैट्समैन है, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन इन विकेट कीपर में। तो फ्रेंड्स, बात करें जो न्यूज़ की, जो कि थोड़ी सी सस्पेंस वाली न्यूज़ है कि होता है कि मोहम्मद सिराज या दिनेश कार्तिक दोनों में से कोई एक खेलेगा। अगर इंडिया 5 बॉलर के साथ जाएगी तो मोहम्मद सिराज खेलेंगे, अगर इंडिया 4 बॉलर के साथ जाएगी तो दिनेश कार्तिक खेलेंगे। तो और बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की टीम में हो सकता है कि ग्लेन फिलिप्स का खेलने का चांस बहुत ही हाई है और वो ये मैच खेलेंगे। तो अगर वो ये मैच खेलेंगे तो फिर या तो टी ब्रूक या एच निचल दोनों में से कोई एक खेलेगा, और आज की मैच में ग्लेन फिलिप्स का खेलना लगभग तय माना जा रहा है। तो प्लीज़ अपडेट वीडियो का वेट कीजिए, आपके पास सब न्यूज़ आ जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये थी कुछ न्यूज़। अब चलिए शुरू करते हैं दोनों की प्लेइंग 11 इंपॉर्टेंट प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन की। तो बात करें फर्स्ट न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में कपटिल, मुनरो, विलियमसन है, लेथम या तो टॉम ब्रूक या फिर ग्लेन फिलिप्स दोनों में से कोई एक खेलेगा, या हेनरी निचल्स या ग्लेन फिलिप्स, इन मतलब कि इन तीन प्लेयर में से कोई दो प्लेयर खेलेगा फ्रेंड्स। और ग्लेन फिलिप्स का खेलना लगभग तय है, और टॉम ब्रूक और एच निचल इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेल सकता है। उसके बाद कॉलिंग डी ग्रैंडो में मिचेल सेंटनर है, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी और इशांत सोढ़ी। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पिछले जो मैच में जो वीडियो अपडेट वीडियो में मैंने बताया था, इशांत सोढ़ी को आप लीजिए, अगर वो 3 से 4 विकेट निकाले तो आपके लिए काफ़ी अच्छा खासा ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 4 या 5% लोग ने ही लिया था। तो अगर आपने लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा खासा आपके लिए ऑप्शन हो गया होगा। तो प्लीज़ अपडेट वीडियो का वेट कीजिए, मैं ऐसे ही अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। और उसके बाद बात करें जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडिया के, माफ़ कीजिएगा, जो प्लेइंग 11 है इंडिया की उसके बारे में, इसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, एम एस धोनी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, यजुवेंद्र चहल या और उसके बाद जो 11th है मोहम्मद सिराज या दिनेश कार्तिक दोनों में से कोई खेले। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इंडिया 5 बॉलर के साथ जाता है
तो मोहम्मद सिराज खेलेंगे, अगर इंडिया चार बॉलर के साथ जाता है तो दिनेश कार्तिक खेलेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया पांच बॉलर के साथ जाएगा और मोहम्मद सिराज खेलेंगे। लेट्स सी, प्लीज़ वेट फॉर अपडेट वीडियो। उसके बाद बात करें इम्पॉर्टेंट प्लेयर की जो इंडिया की हो सकती है, इसमें है जो है विराट कोहली नया कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, इसके बाद शिखर धवन नया कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, रोहित शर्मा नया कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं, अक्षर पटेल, फिर उसके बाद एम एस धोनी जिन्हें आप ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन बना सकते हैं, इसके बाद हार्दिक पांड्या जी हाँ इन्हें आप स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग आप उसमें इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट प्लेयर की न्यूजीलैंड की, तो इसमें कॉलिंग मुनरो हैं जो कि बॉलिंग भी कर रहे हैं आजकल एक दो ओवर, आजकल क्या मतलब कि हम बहुत पहले से कर रहे हैं, सो यू कैन मेक कैप्टन वाइस कैप्टन। एंड देन उसके बाद बात करें मार्टिन गप्टिल की, तो इन्हें भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। उसके बाद केन विलियमसन की, तो आप उन्हें स्मॉल लीग में वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, सो लेट्स सी। और उसके बाद इशांत शोडी, टॉम लेथम इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद मिचेल सेंटनर है इन्हें आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इसके बाद टीम सऊदी ट्रेंट बोल्ट और डी ग्रैंड होम। तो फ्रेंड्स ये थी दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन, इंपॉर्टेंट प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन की ऑप्शन इन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग। तो फटाफट आप दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन देख लीजिए, योगी प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड की, ओके योगी प्लेइंग इलेवन न्यूजीलैंड की और योगी प्लेइंग इलेवन इंडिया की। और बात करते हैं ये होगी इंपॉर्टेंट प्लेयर इंडिया के एंड कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन इन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग, और ये होगी इंपॉर्टेंट प्लेयर न्यूजीलैंड के इन ग्रैंड लीग स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। सो प्लीज़ वेट फॉर अपडेट वीडियो, अपडेट उस वीडियो को प्लीज़ वॉच कीजिए और मैं लेके आ जाऊँगा 4 या 5 बजे तक, तो प्लीज़ वेट कीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।